केमिकल बॉन्डिंग एक नया लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जरूरत है क्यों। जैसे कि हम लोगों ने ठीक अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था फैजान सूर, और फैजान सूर में बात उन्होंने किया था पोलराइजेशन का। यानी कहने का सेंस ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसी दो एटम के बीच हो तो वहाँ जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। मतलब क्या कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर खींचने की जिसमें टेंडेंसी है वो बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर पोलराइज किया हुआ रहेगा। तो कोई भी एटम द्वारा दूसरे एटम के बॉन्डेड पेयर को वो अपनी ओर कितना पोलराइज करेगा, इस चीज़ के मेजरमेंट के लिए हम लोग को पढ़ना है डायपोल मोमेंट। यानी एक लाइन में हम लोग बोलेंगे डायपोल मोमेंट मीजर्स द पोलरिटी ऑफ अ मोलेक्यूल। ठीक है, डायपोल मोमेंट मीजर्स द पोलरिटी ऑफ अ मोलेक्यूल। ठीक है, सबसे पहला बात डायपोल मोमेंट मीजर्स द पोलरिटी ऑफ अ मोलेक्यूल। ठीक है, अब ध्यान से डायपोल मोमेंट मेजर्स द पोलरिटी ऑफ अ मोलेक्यूल। मतलब कोई भी मोलेक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ना, इस बारे में कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों को इस लेक्चर में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब फिर हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। कहते हैं क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, लिखते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब हम लोग डायपोल मोमेंट को म्यू से करते हैं नोट, और म्यू को क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इंटू डी। ठीक है, क्या जाता है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ बातें यहाँ भी हम लोग समझ जानेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्लोरीन जो होगा वो बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर पोलराइज किया हुआ रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, तो क्या करेंगे आप, देख रहे हैं कि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जो भी चार्ज डेवलप होगा उस चार्ज और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होगा वो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालना होता है। हम लोग को एटम पर ध्यान देना होगा कि किस एटम के बीच हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल है HCl। ध्यान से HCl क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या कि जिसमें दो एटम है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि डायपोल मोमेंट वैसे ही मॉलिक्यूल का कैलकुलेट किया जा सकता है जिसमें एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होता है तो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, है ना। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि HCl। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो चार्ज होगा, जो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही क्या कहलाएगा बच्चों, म्यू। क्या कहलाएगा, म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर ली है कि इसको जो हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। अब जैसे कहते हैं क्या कि अगर कोई मॉलिक्यूल है बच्चों, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो अगर उस मॉलिक्यूल का म्यू का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो हमेशा पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। और अगर किसी कोई भी मॉलिक्यूल है उसका
अगर म्यू का वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो मॉलिक्यूल विल बी व्हाट, नन होगा। ठीक है, अब कहने का सेंस है, अब ये सारी बातों को पहले लिख लेते हैं और फिर बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं क्या कि इफ इफ द इफ द वैल्यू ऑफ डायपोल को मेजर करते हैं, वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर एनी मॉलिक्यूल, फॉर एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, देन देन मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, व्हाइल व्हाइल इफ द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर एनी मॉलिक्यूल, फॉर एनी मॉलिक्यूल इज does not equals to zero, zero, then molecule will be four. ठीक है, मतलब यही कहने का सेंस है कि mean equals to zero, तो molecule जो होगा वो क्या होगा, non polar, और अगर mu does not equals to zero तो molecule क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि इसलिए मैं एग्जाम्पल करके और भी कुछ बातें समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारा एक मॉलिक्यूल है, जानते हैं हम H2O मॉलिक्यूल है, इस तरीके से इसका लोन पे एंगुलर शेप होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉलिक्यूल तो पोलर है, नॉन पोलर है, बाद में आखिरकार डायपोल मोमेंट, क्योंकि सबसे पहली बात कि मैं एक छोटे से पॉइंट लिखता हूँ, डायपोल मोमेंट जो है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर टर्म जो आप लोगों ने फिजिक्स में खूब पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा बच्चों, उसमें डायरेक्शन होगा। तो डायपोल मोमेंट है, जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर ये वैसे इसका जो है म्यू का वैल्यू जो आएगा वो डज नॉट इक्वल जीरो, तो ये मॉलिक्यूल जो है क्या हमारा है, नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल क्या बच्चों, नॉन पोलर है। मैं थोड़ी देर के लिए इस मॉलिक्यूल को पोलर मान लेता हूँ, आई वाज अजम्पशन कर रहा है, मैंने ये एग्जांपल लिख दिया है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, या आप इसके अलावा बी एफ सी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, बी एफ, आप भी कहेंगे क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सर जो है पोलर मान रहे हैं, तो इसका जो है म्यू की वैल्यू क्या है, जीरो, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल से कैसे होगी हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए मॉलिक्यूल तो पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, तो यहाँ मॉलिक्यूल डज नॉट, म्यू जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर, मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर, और म्यूट अगर इज इक्वल टू जीरो है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, म्यू डज नॉट इक्वल जीरो है तो मॉलिक्यूल पोलर, अगर म्यू जो है जीरो से बराबर है तो नॉन पोलर, ठीक है, नॉन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नॉन पोलर, लेकिन देखिए यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारा पोलर है, बड़ा ध्यान से देने का प्रयास किया, क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड जो है यहाँ जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है, ऐसा कह के कह रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानते हैं हम लोग यहाँ की यहाँ जो ये जो बॉन्ड है हमारा, ये जो बी है, ये जो बोरॉन है हमारा, और बोरॉन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू बोरॉन। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर पोलराइज किया जाएगा, तो बॉन्ड तो क्या हो, बॉन्ड क्या होगा बच्चों, पोलर, लेकिन ओवरऑल जब इसका हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे
तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका हो जाएगा जीरो, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल मॉलिक्यूल होगा हमारा क्या नॉन पोलर, लेकिन यहां जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा पोलर होगा, है ना, ये हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज यहां पे हम लोग देख रहे हैं पार्टिकुलर जब इस दोनों एटम के बीच का बॉन्ड देख रहे हैं तो ये क्या है, यहां ये अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम है और ये क्या है अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है कम है, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा, तो यहां पर बॉन्ड रहेगा पोलराइज, जब बॉन्ड पोलराइज रहेगा तो बॉन्ड कभी भी नॉन पोलर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब इसका हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये सारी बातें हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल जब मॉलिक्यूल का ये नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, लेकिन यहां जो हमारा बॉन्ड होगा वो क्या होगा पोलर होगा, ठीक है। तो अब मैटर है क्या कि जो बॉन्ड हमारा पोलर है, ये जो पोलर हमारा बॉन्ड है, इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, डाइपोल मोमेंट की वेक्टर क्वांटिटी थी, इसका हम लोग दिशा कैसे दिखाएंगे, इसका हम लोग डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। तो कहते हैं क्या इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डायपोल मोमेंट इज पॉइंट्स टू, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डायपोल मोमेंट इज पॉइंट्स टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। क्या मतलब है, क्या मतलब है, ठीक है। क्या देखें यहां, यहां भी क्या है, यहां इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है, तो क्या कहें डायपोल मोमेंट कैसे पॉइंट करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, मीनिंग ये बच्चों। और डायपोल मोमेंट का साइज ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ये जो इसका टेल पार्ट जो है वो क्रॉस है, तो ये पार्ट डिनोट करेगा आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ये जो टेल पार्ट है वो क्या करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसका हेड है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये साइन दिखाएगा आपको कि बॉन्ड का पोलरिटी किस डायरेक्शन में है, बॉन्ड का पोलरिटी किस डायरेक्शन में है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका पार्शियल नेगेटिव होगा, जिससे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो क्या कहेंगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मैंने थोड़ा पहले एक एग्जांपल लिखा था HCl, है ना, तो क्या लिख रहे हैं किस पार्शियल पॉजिटिव आएगा, किस पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, बॉन्ड ऑफ पोलैरिटी किस डायरेक्शन में है, कहेंगे फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ध्यान रहे डायपोल मोमेंट को जनरली जो है वो डिवाइड के टर्म में जो है इसको मेजर किया जाता है, और वर्ड डिवाइड का वैल्यू होता है वो 10^-18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होता है, यानी कि वो ये जो है हमारा एक सीजीएस यूनिट है। हम लोग इसका मॉडल सकते हैं क्या, डायपोल मोमेंट इज मेजर, डायपोल मोमेंट इज मीटर्स इन टर्म्स ऑफ डिवाई, इसको हम लोग कैपिटल डी कहते हैं, ठीक है। और वन डिवाई इक्वल्स टू होता है 10^-18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये हमारा क्या बच्चों एक तरह का सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बहुत धीरे से इसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ने वाली है, है ना। मेन रूप से आपको ये साइन याद रखना है कि कभी भी जो भी हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी फिलहाल मॉलिक्यूल की बात नहीं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो डायपोल मोमेंट का जो साइन होगा वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाएंगे। जैसे मैं फिर से थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूँ, HF ले लीजिए बच्चों, तो H दोनों में के बीच सिंगल बॉन्ड है, दोनों बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या देख रहा हूँ ये हमारा क्या है पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मान लीजिए यहां CH4 है मॉलिक्यूल्स, ये CH4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, अब यहां हाइड्रोजन है, यहां भी बॉन्ड तो पोलर होगा, मॉलिक्यूल भले ही नॉन पोलर है, वो कैसे है वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां मॉलिक्यूल भले ही नॉन पोलर है हमारा, लेकिन बॉन्ड क्या होगा बच्चों, वो पोलर होगा। वो पोलर क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। कार्बन हाइड्रोजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा जो है कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो डायपोल मोमेंट पॉइंट्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कुछ इस तरीके से। मैंने यहां से एक एग्जांपल लिया है, यहां से देखिए, यहां भी क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो डायपोल मोमेंट हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है इसमें आप लोगों को। फिर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, PCl3 कैसे दिखाएंगे वो हम लोग को समझने की चीज है। PCl3 का कैसा होगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा होगा बच्चों, Cl और ध्यान रहे अगर जो लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंस में कहा जाता है, और ऑलवेज किसी भी एटम से जो हमारा लोन पेयर होगा है ना, वो हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा प्रोन होगा, तो कुछ इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा। ध्यान रखें हम लोग लोन पेयर की ओर जो है हमेशा पॉइंट करते हैं, किसको, डायपोल मोमेंट को, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लोन पेयर। ध्यान रखें हमेशा जहां लोन पेयर का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन को हम लोग शो करते हैं हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह, ठीक है। तो जहां लोन पे रहेगा वहां किस तरीके से आपको डायपोल मोमेंट को दिखाना है, इस बात को मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि बात किए कि डायपोल मोमेंट क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं इसका म्यू रिजल्टेंट ये सब भी निकाल हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग उसको निकाल कर दिखाते हैं। छपे नहीं है आप लोग, हाँ। तो बच्चों डायपोल मोमेंट क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए O एक एटम है ना, एक A एटम है O के साथ अटैच है, और एक कोई B एटम है उसके साथ अटैच है। तो मान लीजिए कि O से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव A है और O से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव B है, और हम ये मान लीजिए कि इसका जो डायपोल मोमेंट जो म्यू है, इसका भी क्या है म्यू है। ये तभी संभव है जब A जो होगा वो क्या होगा, B के बराबर होगा, दोनों एटम एक जैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करते हैं इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे। आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, कॉमन सी बात है, इसका रिजल्टेंट जाएगा कुछ ऐसे। तो म्यू रिजल्टेंट म्यू वन क्या आ जाएगा, म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन टू म्यू वन इंटू म्यू टू कॉस थीटा रूट टू, ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं म्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, सब जगह क्या करेंगे आप, म्यू म्यू वन म्यू टू जब हम लोग म्यू वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये आपको ध्यान देना है कि कब हमारा मतलब अगर सेम एटम है तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वही अगर एटम डिफरेंट है तो क्या होगा, दोनों का डायपोल मोमेंट का वैल्यू हर हाल में अलग होगा, बिकॉज अगर दोनों अलग अलग एटम है तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होगा। तो हम यहाँ पर चूंकि डिफरेंट एटम माना था इसको म्यू टू ही कर देते हैं, तो
क्या जाएगा भाई म्यू रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट ये है म्यू वन आया बच्चों ये म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन इंटू म्यू टू कॉस थीटा है ना। तो हम लोग चलिए ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि म्यू आर मैक्सिमम कब होगा है ना, कहते म्यू आर मैक्सिमम होगा बच्चों 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है। म्यू आर मैक्स जो होगा वो क्या होगा, सॉरी जीरो डिग्री एंगल, म्यू आर मैक्स जो होगा क्या होगा जीरो डिग्री एंगल है ना। तो म्यू आप जीरो डिग्री यहाँ कॉस थीटा का मतलब जीरो डिग्री पुट करेंगे, और ये हम फिलहाल मान लेते हैं, ये हम नहीं माने कोई इशू नहीं है, दोनों का हम अलग अलग टर्म कैलकुलेट करते हैं। म्यू आर इक्वल टू क्या होगा म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन इंटू म्यू टू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है बच्चों वन इंटू वन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या हो जाएगा रूट ओवर, क्या देख रहे हैं आप म्यू वन प्लस म्यू टू का हो जाएगा ओवर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ये फाइनली क्या होगा म्यू वन प्लस म्यू टू, ठीक है म्यू वन प्लस म्यू टू रिजल्टेंट क्या होगा म्यू आर जो होगा वो म्यू वन प्लस म्यू टू, यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कहां हम लोग को प्राप्त होगा जीरो डिग्री एंगल, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट का वैल्यू कहां प्राप्त होगा बच्चों जीरो डिग्री एंगल। वही अगर हम बात करेंगे म्यू आर मिनिमम की बात करेंगे, म्यू आर मिनिमम म्यू आर मिनिमम बस फॉर्मूला तो वही है, बस यहां पर क्या होगा कहां मिलेगा म्यू आर मिनिमम एट 180 डिग्री, ठीक है ना। म्यू आर मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों जीरो डिग्री एंगल जीरो डिग्री पे, और म्यू आर मिनिमम जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री एंगल पे। कैसे बड़ा ध्यान समझने का प्रयास करें आप, फिर से म्यू आर हम लोग मिनिमम निकालने का प्रयास करते हैं, क्या होगा म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन इंटू म्यू टू कॉस थीटा, टू म्यू वन इंटू म्यू टू कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस वन, क्या जाएगा म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर माइनस टू म्यू वन इंटू म्यू टू, ठीक है ये रूट ओवर। देखिए म्यू वन मिनिमम जो हुआ वो क्या होगा म्यू वन माइनस म्यू टू का होल स्क्वायर से रूट जाएगा तो म्यू वन इंटू म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन मिनिमम जो मिला वो कहा मिला म्यू वन माइनस म्यू टू। अब देखिए एक बार ध्यान से, तो यहाँ देखिए ये सब्सट्रैक्शन है और ये क्या हमारा एडिशन है, जानते हैं हम लोग एडिशन वैल्यू से हमेशा जब हम लोग को मिलेगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू, और सब्सट्रैक्शन वैल्यू है तो उससे हमेशा क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। अगर मान लीजिए वही हम लोग बात कर रहे हैं जैसे सीओ टू की जो बात करते हैं सीओ टू ध्यान रहे, तो सीओ टू का कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, तो क्या देखते हैं हम लोग कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका क्या होगा कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट का डायरेक्शन, और इसका होगा कुछ इस तरीके से। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक जो है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और एक जो है बच्चों इधर है, दोनों एटम सेम है, ठीक है दोनों एटम क्या है सेम है, इसका भी वैल्यू हो जाएगा म्यू, इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू बच्चों म्यू, क्योंकि यहाँ दोनों एटम अलग अलग था इसलिए म्यू और म्यू टू यहाँ पर क्या किया जो किया है, लेकिन दोनों एटम के लिए जो है इधर भी सेम एटम है इधर भी सेम एटम है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इधर ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जितना बॉन्डेड पेयर को खींच रहा है उतना ही इस कार्बन का बॉन्डेड पेयर को इस ये ऑक्सीजन में खींच रहा होगा, तो दोनों के डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी वो सेम आएगी, तो हम दोनों के वैल्यू क्या मान लिए म्यू। अब देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है शेप इसका होता है जो लीनियर, और लीनियर में जो है बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, तो फिर आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा म्यू वन कॉमन से बात है मिनिमम आएगा 180 डिग्री एंगल पे, हम लोग म्यू वन मिनिमम को करते हैं कैलकुलेट, तो म्यू वन मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो रूट ओवर म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन इंटू म्यू टू कॉस थीटा। अब म्यू वन म्यू टू चूंकि यहाँ पर क्या है सेम है दोनों के लिए कुछ भी टर्म लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 180 डिग्री माइनस वन हो जाएगा माइनस टू म्यू वन इंटू म्यू टू फिलहाल, और चूंकि हम लोग म्यू वन की जगह पर या तो म्यू टू को पुट कर दे या म्यू टू जगह पर म्यू वन को पुट कर दे, चलो म्यू टू जगह म्यू वन हम लोग कर देते हैं पुट, तो म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर माइनस टू
म्यू वन है ना इंटू म्यू वन, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, टू म्यू वन का स्क्वायर और माइनस टू म्यू वन का स्क्वायर, कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगा कितना बच्चों जीरो। क्या मतलब है इसका हम लोग को समझने की बात, ठीक है, समझ रहा है पड़ेगा कि म्यू आर मिनिमम जीरो, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर जो है म्यू आर यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, हमेशा बहुत कम, सबसे कम। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है म्यू का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, रिजल्टेंट म्यू का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि म्यू का वैल्यू जीरो दैट इज मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, है ना। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर। मीनिंग यही है कि जो डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है ना, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन आ गया डायपोल मूवमेंट का, तो अगर वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं बी एफ थ्री मॉलिक्यूल का भी, बी एफ थ्री मॉलिक्यूल का ध्यान से देखते, इसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू बच्चों इस डायरेक्शन में, इसके लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू इस डायरेक्शन में, और इसके लिए इस डायरेक्शन में। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां है ना, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, यहां। अब देखिए ठीक इसके 180 डिग्री एंगल पर एक और डायपोल मोमेंट हमारा है, तो क्या कहेंगे, इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट, है ना। इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या कहेंगे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज देखिए ये किस डायरेक्शन में है और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां पर जो है बॉन्ड एंगल, यहां जो एंगल आपको दिखेगा, जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 180। और क्योंकि तीनों तरफ जो है वो सिर्फ सिर्फ क्या है, फ्लोरीन ही है, तो म्यू की वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगी। हाँ, अगर मैं कहूं कि यहां फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन और यहां क्लोरीन या आयोडीन वगैरह होता तो फिर म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आता, लेकिन यहां फ्लोरीन और यहां भी फ्लोरीन है, तीनों जगह एटम जो है वो सेम है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट को जो है ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। यहां भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। कुछ इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल के नॉन पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के लिए देख लिया है किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालते हैं और किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है या कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब सेपरेटली हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि वो कब नॉन पोलर कब पोलर है ना। अब थोरो एक एक एग्जांपल से हम लोग इन सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट फॉर होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और डाय का मतलब होता है दो, एटॉमिक मतलब एटम, मतलब दो एटम, दो सेम एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे H2, जैसे क्या बच्चों H2, F2 है ना, Cl2, O2, इट इज, ये सारे क्या है, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इस केस में अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, देखिए सोचने का प्रयास करते हैं, H H F F Cl Cl और O O डबल बॉन्ड O, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों एटम एक जैसे हैं, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, En जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो क्या है बच्चों, डेल ई एन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा, जीरो, बिकॉज यहां पर दोनों एटम सेम है तो ई एन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो यहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ होगी ही नहीं, तो म्यू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हमें देख रहे हैं यहाँ FF दोनों एटम सेम है, यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, किसी भी तरफ बॉन्ड का पोलराइजेशन आपको दिखेगा ही नहीं,
तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। हम लोग सीएल टू की अगर हम लोग सीएल टू की बात करेंगे तो फिर से दोनों सेम एटम है, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो हमेशा नॉन पोलर नेचर का होगा, बिकॉज ऑलवेज इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। म्यू का वैल्यू जो होगा उसके लिए हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर। तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। मतलब एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑलवेज नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑलवेज जीरो ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, क्योंकि एटम का सेम, एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा, म्यू का वैल्यू जो होगा हमेशा जीरो के बराबर। तो हमेशा कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेट्रो का सेंस है बच्चों डिफरेंट। हेट्रो का सेंस क्या है, डिफरेंट। डाई का सेंस दो से है और एटॉमिक का सेंस एटम्स से है, मतलब टू डिफरेंट एटम्स मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे HF, HCl, HBr, HI, है ना, HF, HCl, HBr, HI। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे हम ऐसा कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो म्यू जो होगा वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहां म्यू का वैल्यू यहां पे जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो यहां भी म्यू का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। यहां भी चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बच्चों, यहां भी कभी भी म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज पोलर इन नेचर बिकॉज द वैल्यू ऑफ म्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो, है ना, नेवर इक्वल टू जीरो ड्यू टू हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होने के कारण से जो है हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, पोलर नेचर का होगा, हमेशा क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। मीनिंग यही है कि वहां पर बॉन्ड की पोलरिटी होगी, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का पोलराइजेशन होगा, वहां जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो किसी एक एटम की ओर पोलराइज होता हुआ आपको दिखाई देगा। वो भी किधर की ओर पोलराइज होता हुआ दिखाई देगा, जिधर की ओर हम लोग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन इधर की ओर है, यानी कि ये एटम जो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये क्या करेगा, इसमें बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचेगा। जब इसके बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एस से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो आप समझ रहे थे वो वैसा नहीं होगा, बल्कि इसकी तरफ थोड़ा सा खींचा हुआ नजर आपको आएगा। ठीक है, और इसकी तरफ खींचा हुआ नजर आने के कारण से जो है बॉन्ड का हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो है पोलराइजेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो पोलर है,
है ना, यानी कि बॉन्ड भी हो गया पोलर। अच्छा, बॉन्ड पोलर होने पर मॉलिक्यूल पोलर हो ये जरूरी नहीं है, है ना। लेकिन हेटरोडायमर्स मॉलिक्यूलर केस में हमेशा मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर नन सॉरी पोलर नेचर का होगा। क्या होगा? पोलर नेचर का होगा। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और हेटरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने डायपोल मोमेंट देख लिया, कब पोलर कब नॉन पोलर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं डायपोल मोमेंट फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब पॉली का सेंस मेनी से है ना, एटॉमिक एटॉमिक का सेंस एटम से, अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होता है। मेनी एटम मतलब सिंपल है कि मोर देन टू एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, मोर देन टू एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने एक एग्जांपल को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना, मैंने बता रखा है इसको आपको ऑलरेडी, सब जगह म्यू का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, यहाँ म्यू यहाँ म्यू यहाँ म्यू, इसका यूनिट जाएगा, इस दोनों का यूनिट जाएगा इधर, और ये जो है क्या इसको ये इसकी जो म्यू आर है इसको ये कैंसिल आउट करेगा, तो फाइनली ओवरऑल जो है म्यू की वैल्यू क्या जाएगी? जीरो। तो बी एफ जो मैंने बात किया वो क्या होगा? नॉन पोलर। क्या होगा बच्चों? नॉन पोलर। ध्यान है बॉन्ड तो पोलर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है हमारा? नॉन पोलर। ठीक है, जैसे फिर बात करते हैं CCl फोर की बात करें तो CCl और Cl। ठीक है बच्चों, ये मॉलिक्यूल हमें जान रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री एंगल, मैं बता रहा हूँ आपको इसके लिए जो है क्या करेगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ इधर, इसके लिए इधर, ठीक है, इसके लिए क्या जाएगा इधर, इसके लिए क्या जाएगा ओवर, और यहाँ पे जो है सारा का सारा डायपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है ना, आप जब इस दोनों के लिए बॉन्ड एंगल डाल करके जब म्यू नेट का जो वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर वाले के ठीक सामने पड़ जाएगा, है ना, और बॉन्ड एंगल होगा वहां पर 180 डिग्री। जो म्यू नेट जो होगा इस दोनों का जो म्यू नेट होगा वो क्या होगा? ऊपर वाले के ठीक 180 डिग्री पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो मैंने से सिर्फ तो भी क्या हमारा क्या बच्चों तो CH4 की बात करते हैं CH4, ठीक है, ध्यान से देखें CH4। अब देखें ध्यान से इसका डायपोल मोमेंट कुछ ऐसे जाएगा, इसका ऐसे, अब इसका जाएगा कुछ ऐसे। इस दोनों देखिए ध्यान से इस दोनों का डायपोल मोमेंट जाएगा ऊपर की ओर इस तरीके से, तो ये आप देखिए ऊपर से आ रहा है एंगल होगा 180 डिग्री, फाइनली म्यू की वैल्यू को क्या कर देगा वो सारे म्यू की वैल्यू कर देगा कैंसिल आउट, बिकॉज सब के लिए म्यू का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। उस केस में जो है म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, चलिए हम लोग एक और मॉलिक्यूल देखते हैं PCl5। तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा PCl5 का ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसके लिए म्यू की वैल्यू इस डायरेक्शन में, इसके लिए म्यू की वैल्यू इस डायरेक्शन में, इसके लिए म्यू की वैल्यू इस डायरेक्शन में, सब का वैल्यू जो होगा बच्चों म्यू ही होगा, बिकॉज एटम क्या है? सेम है, तो म्यू की वैल्यू ऑलवेज सेम। ध्यान से देखिए इस दोनों का रिलेशन जाएगा इधर, इस दोनों का रिलेशन जाएगा इधर, जो कि इसको जो है ये क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो ये इस तीनों के लिए बात खत्म, बचा इसके लिए ये ऑलरेडी दोनों से क्या है 180 डिग्री एंगल पे, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा मॉलिक्यूल? म्यू जीरो है ना, नॉन पोलर। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन पोलर, मतलब उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। बॉन्ड में तो पोलैरिटी होगी लेकिन मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं होगी। चलिए
हम लोग और भी एग्जांपल को देख सकते हैं, जैसे चलिए देखते हैं हम SF6 को। SF6 इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इसका डायपोल मोमेंट जाएगा इधर की ओर, एक होता है बाबू एक ऊपर होगा, एक F नीचे होगा। इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, और इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू इधर, और इसके लिए इधर। इसका जेटर जाएगा इधर, और इस दोनों का, इस दोनों ये जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, इसका डायरेक्शन इसका जाएगा म्यू रेट, और म्यू रिजल्टेंट जो जाएगा वो ऐसे। तो ये दोनों म्यू वाले इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। इस दोनों का रिजल्टेंट जो है, इस दोनों के रिजल्टेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और फाइनली ये दोनों हमारा एक्स वाई जेड एंगल पे है, म्यू की वैल्यू सबके लिए सेम होगी बिकॉज एटम सेम है। तो यहाँ भी होगा होगा, और म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं NH3, ठीक है। तो जानते हैं कि इस तरीके से उसके हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, लोड पेयर यहाँ आएगा। अब कहेंगे कि इसका जाएगा रिजल्टेंट इधर की ओर, रिजल्टेंट सॉरी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका जाएगा इधर की ओर, इसका जाएगा इधर की ओर, और ये कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर की ओर, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप इस तरीके से, इस दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऊपर की ओर, इसका जो है म्यू का वैल्यू जा रहा है ऊपर, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ऊपर में है, और ये ऑलरेडी जा रहा है ऊपर, कोई दूसरे कोई आपको कैंसिल आउट करता हुआ नहीं दिखेगा। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो डायरेक्शन जो है सब जाते जाएगा एक डायरेक्शन में, तो म्यू का वैल्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं इस चीज को, कभी भी अगर लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा, अगर लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा तो वो हमेशा क्या कैसा होगा, पोलर, है ना। लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम यहां पे, लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज सॉरी ऑलवेज नहीं, कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां लोन पेयर होगा लेकिन वह दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो बच्चों लोग और भी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक टर्न हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हो जाएगी, है ना, लेकिन थोड़ा सा हमको यहाँ सीखना पड़ेगा कि इस तरीके का डायपोल मोमेंट जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, यानी कि IIT मेंस एडवांस या आपका नीट का जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस बात को सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है। तो कहते हैं क्या कि फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। आइसोमर का बात, आइसोमर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर, है ना। दो अलग अलग कंपाउंड का क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट है। तो वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर आइसोमर को बस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना, और जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस में हम लोग डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में हम लोग कह रहे हैं क्या कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, है ना। हम देखें ध्यान से, यहां मान लीजिए कि ए हम एक बी एक सी, सी नहीं यहाँ एम कर देते हैं, और यहाँ क्या कर देते हैं बच्चों, एन कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या कि ये तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर ना हो और एम जो है एन के बराबर ना हो, ठीक है। सेम कार्बन पे, सेम डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एटम एक जैसा नहीं होगा तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब मैटर क्या है कि इसमें हम डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। चलिए हम एक
स्ट्रक्चर ऐसा ले लेते हैं। तो कहते हैं यार इसका एक और स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है, इसका आइसोमर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इसका आइसोमर। तो कहते हैं दैट इज अ सेम एटम और ग्रुप सेम साइड, क्या है सेम साइड, सेम एटम ग्रुप सेम साइड, तो उसको हम बोलते हैं सीस। क्या बोलते हैं बच्चों? सीस। अगर सेम एटम ग्रुप अपोजिट साइड एट एन एंगल ऑफ 180 इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि म्यू सीस है ना और म्यू ट्रांस में, म्यू सीस और म्यू ट्रांस में डायपोल मोमेंट के रिलेटेड है ना क्या दोनों में रिलेशनशिप होगा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका डायपोल मोमेंट ऐसे डायरेक्शन जो बच्चों ऐसे हो, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो यहां देख रहे हैं कि म्यू जो होगा वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। किसका जेडेंट कैसे जाएगा और इसका जेडेंट कैसे जाएगा, ये जो जेडेंट है इसका ये जाएगा ऐसे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये वेक्टर्स क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है। म्यू का वैल्यू जो है जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। जब म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो पोलर कंपाउंड है। क्या बच्चों? पोलर कंपाउंड। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर, इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर, ये दोनों क्या आउट कर देगा बच्चों, किससे को कैंसिल आउट कर देगा है ना, और इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर, इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर। तो फाइनली वो देख रहे हैं क्या कि सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। म्यू इज़ इक्वल टू जीरो, हम लोग इसे क्या कहेंगे, नन पोलर। क्या कहेंगे देखिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या कहेंगे बच्चों, नन पोलर। अब ये तो क्लियर है कि इस केस में ये तो हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर म्यू जीरो के बराबर हो गया और यहाँ जो है म्यू जीरो के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ जो होगा म्यू सीस होगा वो म्यू ट्रांस के म्यू ट्रांस से ज्यादा होगा। अब मैटर क्या है, तो यहाँ से आप ऐसा कंक्लूजन ना निकाल लेंगे कि ऑलवेज डायपोल मोमेंट ऑफ सीस सीस आइसोमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर, बिल्कुल नहीं है ना। और ऐसे भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि ट्रांस आइसोमर का जो है म्यू का वैल्यू ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऐसा दिमाग में कभी नहीं रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं और वहां पर जो होगा वो म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अब देखिए जैसा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एच एच यहां सी एल और यहां एफ। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां सेम एटम और ग्रुप क्या है बच्चों, अपोजिट साइड है, ट्रांसफॉर्म तो होगा। अब ध्यान दें आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं इस चीज को है ना कि यहाँ दोनों था, देखिए ये दोनों एक जैसा आइटम था, इधर भी एक साइड इधर भी एक साइड, तो ही सीस, ऐसा कुछ नहीं है। या दोनों एक जैसा आइटम एकदम सारा एक जैसा ही हो और दोनों दूसरे का एंटीरियर, तभी ट्रांस, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दो आइटम, ठीक है ना, दो आइटम अगर अपोजिट है तो ट्रांस, सेम साइड है तो सीस, मीनिंग इसका सीस कुछ ऐसा होगा, सॉरी इसका सीस कुछ ऐसा होगा है ना, इसका सीस ऐसा होगा, ध्यान रखें। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस बस कोई भी दो आइटम में कारण वो सीस ट्रांस हो सकता है, कोई भी दो आइटम में कारण वो सीस ट्रांस हो सकता है। ठीक है, बाद में थोड़ा सा और हम लोग इलाबोरेट में जाएंगे। एक और हमारा आइसोमर आता है ट्रीजेड आइसोमर, तो फिलहाल उतना हम लोग डीप में भी नहीं जाएंगे है ना, अभी तक हम लोग इसकी बात कर रहे हैं और इतना तक हम लोग फिलहाल भी सीमित रहते हैं। फिर फाइनली हम लोग जब आइसोमर पढ़ेंगे तो फिर वहां पर सारी बातों को, इस तरीके की बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ म्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ दोनों आइटम क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का जो है म्यू का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग कि म्यू का वैल्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर, यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर होगा है ना, क्योंकि देखिए कैंसिल आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट जरूर कर देगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्लोरीन है यहाँ फ्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो दोनों का म्यू का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे को फुल्ली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आप एक छोटे से एग्जांपल से आप कंक्लूजन पे आ गए थे कि म्यू का वैल्यू, म्यू जो ट्रांस होगा वो ऑलवेज जीरो, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रहे म्यू ट्रांस ऑलवेज जीरो नहीं होगा, बशर्ते कि जो हमारा एंटी पोजीशन पर जो एटम है वो
वो क्या हो, अलग अलग हो, तो म्यू ट्रांस होगा यानी कि ट्रांस एक्सेप्टर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। हाँ ये भी सही बात है कि अगर सेम एटम और ग्रुप है, सेम एटम या ग्रुप है तो उस केस में हमारा म्यू ट्रांस होगा वो ऑलवेज जीरो के बराबर। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दो दो एटम जो है हमारा एक जैसा है, तो उस केस में म्यू ट्रांस होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वो हमारा कंपाउंड जो होगा है ना वो क्या कराएगा बच्चों, डन पोलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि म्यू सीस जनरली 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 म्यू सीस है ना का जो म्यू सीस का जो डायपोल मोमेंट होगा वो म्यू ट्रांस से ज्यादा होगा। हाँ ध्यान रहे म्यू ट्रांस का वैल्यू ऑलवेज जीरो के बराबर नहीं, ठीक है, लेकिन म्यू सीस का वैल्यू हमेशा म्यू ट्रांस से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलवेज इसका कुछ भी रिजल्टेंट आएगा है ना, और ये ट्रांसफॉर्म का जो है रिजल्टेंट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का प्रयास करेगा। अब यहां भले ही म्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसके कारण से जो है बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसके कारण से यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी लेकिन वो वैल्यू बहुत कम होगी, तो वो हमेशा सीस से जो है क्या होगा, कम ही होगा। तो हम लोग फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि म्यू सीस है ना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू ट्रांस। तो हम लोग यहां लिख देते हैं इन जनरल म्यू सीस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू ट्रांस। ठीक है, अब चलिए ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन की बातें हो गई और इसके काम हम लोग काम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे यहां मैं एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है, यहां CH3, यहां CH3, यहां H, यहां। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये कंपाउंड पोलर है नॉन पोलर है, इस बात के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आप देखिए दोनों सेम कार्बन होंगे, देखिए दोनों का दोनों सेम आइटम है बच्चों, यहाँ भी दोनों सेम आइटम है ना, ये तो क्लियर है, ये तो सीस फॉर्म है, सीस तो है ये तो कन्फर्म है, लेकिन मैटर है कि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट को शो हम लोग किस डायरेक्शन में करेंगे। तो याद कीजिए मैंने आप लोग को बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्डेड की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, और ऐसा कहाँ होगा बच्चों, इधर क्यों, ऐसा कहाँ होगा, इधर क्यों है ना, तो इसका जाएगा ऐसे और इसका जाएगा ऐसे, लेकिन म्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अब तुरंत कहेंगे कि एक इधर आया, इसका जनरेटर इधर, इसका ये गया, इसका जनरेटर इधर, दोनों के साथ कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों एटम क्या है बच्चों, डिफरेंट है, जब दोनों के कारण सेम डायपोल मोमेंट अराइज नहीं होगा, जब दोनों के कारण सेम डायपोल मोमेंट अराइज नहीं होगा तो म्यू का वैल्यू पूरा कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, तो म्यू जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारा मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पोलर होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। बच्चों ने कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे देखिए एक से मैंने यहां लिया, एक से यहां लिया, ठीक है, एक से मैंने यहां ले लिया और एक से इस पोजीशन पे, ठीक है, और सेम कंपाउंड के लिए एक से लिया और एक से यहां। सबसे पहले इस तरह के कंपाउंड को हम डिफाइन कर लेते हैं, कहते क्या है इस तरह के कंपाउंड, ठीक है, हम लोग तो ये तो बात क्लियर देख रहे हैं कि बेंजीन का जैसा स्ट्रक्चर है, और बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, एक्चुअली बेंजीन ही है, लेकिन बेंजीन पर दो क्लोरीन ग्रुप है हर जगह पर वही बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखिए एक क्लोरीन ग्रुप का पोजिशन को वही रखे हैं, बाकी क्लोरीन ग्रुप के पोजिशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास कीजिए और सुनिए कि एक एटम के रेस्पेक्ट में दूसरा एटम या ग्रुप, एक एटम या ग्रुप के रेस्पेक्ट में दूसरा एटम या ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन को, चाहे वो यहां हो या यहां, यहां हो या यहां, तो
तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इसके रेस्पेक्ट में ये जो हमारा एटम है वो ऑर्थो पोजीशन में है। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो पोजीशन में। एक अब ऑर्थो के एडजेसेंट वो पैरा पोजीशन कहलाता है। ऑर्थो के लिए ये एटम या ग्रुप है हमारा, इसका एडजेसेंट यहां तो एटम नहीं है लेकिन ये पोजीशन हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्थो। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हमारा क्या है, एटम या ग्रुप है, इस कार्बन के एडजेसेंट ये पोजीशन है और इस कार्बन के एडजेसेंट ये पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन में होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो कहलाएगा। अब ऑर्थो के एडजेसेंट ये भी मेटा, ये भी मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर कोई एटम होता है उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। अब मेटा के एडजेसेंट जो पोजीशन है उसको बोलेंगे हम लोग पैरा पोजीशन। ध्यान दें कि कोई बेंजीन ग्रुप में दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा है ना, दो ऑर्थो, दो मेटा और दो पैरा। ये ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि हमेशा ये एटम या ग्रुप ये ही होगा। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। हम मान लीजिए कि यहां पर हम ये एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। पर इस एटम के रेस्पेक्ट में क्लोरीन यहां पे है तो इस एटम के रेस्पेक्ट में कहेंगे क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन में है। आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी। तो कोई भी एक एटम या ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर एडजेसेंट पोजीशन पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप है तो हम कहते हैं वो ऑर्थो पोजीशन में। अगर ऑर्थो के अलावा अगर यहां इसको यहां ना डाल देते, अगर यहां डालते तो आप कहते तो पारा है नहीं, यहां भी पारा होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। इस एटम या ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ऑर्थो के एडजेसेंट क्या हो जाएगा बच्चों? मेटा। क्या जाएगा? मेटा। वही अगर यहां से क्लोरीन को हटा करके और अगर यहां ले आएंगे, इस पोजीशन पे ले आएंगे, तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा, ठीक है। यहां होता तो ऑर्थो, यहां होता तो मेटा, यहां है तो पारा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई बेंजीन, कोई भी बेंजाइलिक ग्रुप जो है हमारा, कोई बेंजाइलिक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें दो ऑर्थो, दो मेटा और एक क्या होगा बच्चों? पारा। तो अपना ध्यान समझने का प्रयास करें कि हम जो है हम इस कंपाउंड का तो म्यू मेटा की बात करते हैं। म्यू मीन डाइपोल मोमेंट, मतलब मेटा पोजीशन के थ्रू डाइपोल मोमेंट, और ये जो है बच्चों वो क्या कह रहे हैं? म्यू डाइपोल, ठीक है। समझने का प्रयास करें। या अगर हम कहेंगे इस दोनों के बीच एंगल देखिए, इस दोनों के बीच एंगल देखिए और इस दोनों के बीच एंगल देखिए, हम लोग कहेंगे कि इस यहां जो है इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका जाएगा ऐसे एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ एंगल क्या होगा बच्चों? 120 डिग्री, और यहाँ क्या है एंगल 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ना कि म्यू रिजल्टेंट, म्यू आर मैक्सिमम कब होता है? म्यू आर मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल क्या होगा? छोटा होगा। एंगल क्या होगा? छोटा होगा। एंगल जितना छोटा होगा म्यू आर होता है वो उतना ही क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मैंने आपको बता रखा है। और म्यू आर मिनिमम कब होगा? एट 180 डिग्री। मतलब कहेंगे डायपोल मोमेंट म्यू रिजल्टेंट, यानी कि डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट जो होगा वो सबसे कम 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब यही ना है कि जैसे जैसे एंगल घटेगा वैसे वैसे म्यू रिजल्टेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू रिजल्टेंट घटेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ एंगल 60 है, यहाँ 120 है ना, और यहाँ क्या है 180 है। हम लोग देख भी पा रहे हैं कि इसका इधर और इसका इधर अपोजिट साइड है। क्या कर देगा बच्चों? कैंसिल आउट। क्या कर देगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू बीटा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू पाई, ठीक है। म्यू ऑर्थो का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, म्यू बीटा का उससे कम और म्यू पाई का सबसे कम। इवन कि ये जो कंपाउंड है हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कंपाउंड। क्या होगा? पोलर होगा, लेकिन इसमें कम पोलरिटी होगी और इसमें ज्यादा पोलरिटी होगी ड्यू टू हैविंग शॉर्ट बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक बार छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मैं आपसे पूछूंगा ये कंपाउंड हमारा पोलर है या नॉन पोलर, आप कहेंगे इसका रिजल्टेंट इधर, इसका डायरेक्शन जाएगा इधर, इसका जाएगा इधर, इसका जाएगा इधर, इसका जाएगा इधर और इसका जाएगा इधर। अब क्या देख रहे हैं? सब हर क्लोरीन के 180 डिग्री एंगल पर दूसरा क्लोरीन बैठा हुआ है, तो सब क्या करेगा? ये इसको कर देगा कैंसिल आउट, ये इसको कर देगा कैंसिल आउट, और ये कर देगा इसको कैंसिल आउट। फाइनली क्या होगा? म्यू इक्वल्स 0।
कंपाउंड विल बी व्हाट? नॉन पोलर। ठीक है, कंपाउंड क्या जाएगा बच्चों? नॉन पोलर। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा। बॉन्ड एंगल छोटा होने का मतलब है कि उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। एक एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ आप लोग, एक एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ। एच एफ, एच सी एल, एच पी आर, एच एफ। हम लोग क्यों निकालते कैसे हैं? क्यू इंटू डी, दैट इज चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस, तो डिसाइडिंग फैक्टर तो एक्चुअली चार्ज ही है। अगर आपको कहीं पर भी आ जाए कि चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि डिस्टेंस, तो आप चार्ज पे ही बात करेंगे हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे? चार्ज को लेकर डिसाइडिंग फैक्टर डाइपोल मोमेंट के लिए। क्लियर है? लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा एक यहाँ एक्सेप्शन है, वो क्या वो आप ध्यान देने का प्रयास करें। फाइनली हम लोग डाइपोल मोमेंट को क्या कहते हैं? मीन इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना? चार्ज इनटू डिस्टेंस इक्वल टू चार्जिंग, मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। और एक क्यू की वैल्यू जो है, जैसे हम लोग जल्दी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। होता है, इसको हम सीरीज यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 4.18 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना, हम चार्ज वैल्यू निकाल सकते हैं 4.18 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो अब ध्यान देखिए इस चीज को कि यहाँ भी क्या होगा इस पर पार्ट। अब ध्यान देखिए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छा समझ जाए। एच बी आर और एच आई, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग से। हम लोग जैसा कि देखा है क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, इसका क्या होगा बच्चों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो आप कह सकते हैं कि इसका सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा और इसका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बात सिंपली कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, अकॉर्डिंग टू चार्ज फैक्टर, वी कैन से दैट इट हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट एंड इट हैज मिनिमम डाइपोल मोमेंट। लेकिन फाइनली हम कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट? म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। तो आप सिंपल से बड़ा आराम से बोल देंगे कि एच एफ ग्रेटर देन एच एस सी एल ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच आई। ठीक है, लगभग लगभग सब चीज ठीक है, लेकिन बस छोटा सा एक चीज गलती होती है हम लोगों से। वो क्या? अब देखो ध्यान से, इसका साइज जो छोटा होगा इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इसका साइज छोटा होगा इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन चार्ज इस पर ज्यादा होगा और चार्ज इस पर थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। लेकिन Q और D का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो HCl का ज्यादा होता है। और डाइपोल मोमेंट कभी भी एक बार जान लीजिए कि थ्योरेटिकल टर्म नहीं है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल टर्म है ना। और एक्सपेरिमेंटली जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो Q इंटू D का जो प्रोडक्ट है, यानी Q और D का जो प्रोडक्ट है वो HCl क्या होता है? ज्यादा होता है। सो HCl हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, सो HCl हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। ये सिंगल एक्सेप्शन था हमारा। इसका मतलब हम लोग का अब ये ऑर्डर नहीं होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या कहेंगे? म्यू एच सी एल, है ना, म्यू एच एफ, बाकी जैसे सब है वैसे ही रह जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। म्यू एच आई, ध्यान रहे इस दोनों का, इस दोनों में हम लोगों को लफड़ा आया था। और लफड़ा ये था कि यहां चार्ज ज्यादा है और यहां बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में इसका साइज बड़ा है। जब इसका साइज बड़ा है तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज यहाँ ज्यादा होगा। तो फिर आखिरकार इस दोनों का प्रोडक्ट के, दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा हम लोग को ये सोचना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या कि एक्सपेरिमेंटली जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करने का प्रयास किया तो कैलकुलेशन के बाद हम लोगों ने देखा क्या कि क्यू और डी का प्रोडक्ट जो है वो इससे क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब इसका क्यू और डी का प्रोडक्ट भी ज्यादा आ रहा है तो इट हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट इन कंपेयर टू एच एफ। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अगर डिसाइडिंग फैक्टर इस केस में ये सिंगल एक्सेप्शन है तो आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी एच एफ और एच सी एल पूछेगा आपसे तो एच सी एल का ज्यादा डाइपोल मोमेंट इन कंपेयर टू एच एफ।
है ना, बाकी सारा ऑर्डर वही होगा। और बड़ा आराम से फिर फाइनली हम लोग चार्ज को डिसाइडिंग फैक्टर लेकर के, है ना, हम लोग साइज को डिसाइडिंग फैक्टर लेकर के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइडिंग फैक्टर लेकर के हम लोग आगे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नस एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, NH3 और NF3, NH3 और NF3। अब बड़ा अच्छा से कहेंगे यहाँ देखिए दोनों का सेंटर अटैच सेम है, है ना, यहाँ NH3 है, यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ H है, यहाँ F है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कहेंगे क्या कि जी है ग्रेटर डाइपोल में, बोलेंगे बिल्कुल गलत। तो आप समझदार हैं, आप इस सबका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन सबका स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, है ना, लोन पेयर लोन पेयर डालते हैं, इसका डाइकोटोमेट ऐसे होगा बच्चों, इसका डाइकोटोमेट कुछ ऐसे होगा, इसका डाइकोटोमेट कुछ ऐसे होगा, और चूंकि लोन पेयर है तो एटम टू लोन पेयर डाइकोटोमेट होता है, इसका डाइकोटोमेट ऐसे होगा, इसका डाइकोटोमेट ऐसे होगा, इसका डाइकोटोमेट ऐसे होगा, इसका डाइकोटोमेट ऐसे होगा। बस ध्यान देखिए आप यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, ध्यान देखिए यहाँ हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन जा रहा है डाइकोटोमेट, और ये लोन पेयर का लिए जा रहा है ऊपर, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो बीच का जाएगा इसके साथ ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, ध्यान से क्या, और एक का डाइकोटोमेट इधर की ओर है, एक का डाइकोटोमेट इधर की ओर है, और ये इसका भी जा रहा है ऊपर की ओर, और इसका भी जा रहा है ऊपर की ओर, क्या कहेंगे हम लोग, फाइनली दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका डाइकोटोमेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इन कंपेयर टू दिस ज्यादा हुआ, क्यों, तो इसलिए इसका डाइकोटोमेट इधर की ओर, इसका डाइकोटोमेट इधर की ओर, इसका रिजल्टेंट जो जाएगा इसको कहीं ना कहीं थोड़ा वो कैंसिल आउट करने का प्रयास करेगा, यहाँ कैंसिल आउट करने का प्रयास कर रहा है और यहाँ जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहेंगे कि म्यू NH3 ग्रेटर देन म्यू NF3, म्यू NH3 ग्रेटर देन म्यू NF3। होपफुली इस एग्जांपल के बाद कहीं आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है, आप आगे का आप सारे क्वेश्चन को बड़ा इजी कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, आप डेवलपमेंट का हर एक क्वेश्चन को इजी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन हम बता करते हैं, इसकी वीडियो को हम क्लिक कर देते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका यह कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर, यह कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर, तो आप बड़ा ट्रेंडिंग है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, कैंसिल आउट, तो म्यू जीरो, तो कहने नॉन पोलर, फिर क्या चूंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्पेसली, तो कहीं ना कहीं कुछ नफरा होगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत, तो कहना सर सब कुछ ठीक था, फिर परेशानी कहा, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बच्चों हम एक्सपेंड करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं कुछ ऐसे, है ना, या थोड़ा सा बॉन्ड एंगल होगा बच्चों इस तरीके से, तो इसका भी ये सही है, इसका भी ये सही है, लेकिन इधर का डेवलपमेंट ऐसे जाएगा और इसका डेवलपमेंट ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन वाला टर्म तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन इस दोनों के बीच डाइकोटोमेट था वो पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो पाया, और कैंसिल आउट नहीं हो पाने का कारण जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो कंपाउंड विल बी व्हाट, पोलर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन इस पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर डाइकोटोमेट कैसे जाएगा, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो इस दोनों को देखते तो लोग कह रहे थे कि दोनों कैंसिल आउट करते, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट जरूर कर देगा, लेकिन ये दोनों के कारण तो इस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ पोलैरिटी डेवलप करेगी, और कहीं पर भी थोड़ी सी भी पोलैरिटी अगर डेवलप कर जाए तो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पोलर नेचर का हो जाएगा। अब इतने एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, है ना, तो डाइपोल मोमेंट को मैंने कंप्लीटली बहुत सारे एग्जांपल लेकर के मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी आप वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।